दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, लेकिन बताने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यार अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो। आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करते हो, एंड वीडियो अगर पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर करो। एंड मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने सारे सोशल मीडिया के लिंक्स दिए हुए हैं, आप जाकर प्लीज़ मुझे उन पर भी जाकर फॉलो कर लो, क्योंकि वीडियो से पहले उन पर ही सबसे पहले अपडेट आता है। मैंने अपने फेसबुक पेज का, इंस्टाग्राम का और भी अदर सोशल मीडिया लिंक्स है मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखा है, प्लीज जाकर उन पे भी जाकर मुझे फॉलो कर लो। और हाँ, जितना हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, क्योंकि मैंने बीच बीच में कुछ ऐसे टिप्स दे रखे हैं आप लोगों को जिससे कि आपका कम से कम बजट में आपका केदारनाथ का जो यात्रा है वो अच्छे से हो जाए। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना और उन टिप्स को ध्यान से सुनना। इस वीडियो के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वारी होगी तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर देना, नहीं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप मुझे डायरेक्ट जाके इंस्टाग्राम से भी मैसेज करके पूछ सकते हो अपनी क्वेरी। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ केदारनाथ के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि केदारनाथ की जो यात्रा है वो शुरुआत होने वाली है 6 मई 2023 से। तो आप में से काफी लोग भी केदारनाथ की यात्रा के लिए जाने वाले होंगे और आप लोग भी यही सर्च कर रहे होंगे कि यार अगर हम केदारनाथ जाते हैं तो वहाँ पे हमारा कम से कम बजट लगे और हम अच्छे से यात्रा कर पाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए उसी चीज़ का सोल्यूशन लेके आया हूँ कि अगर आप केदारनाथ जाते हैं तो आप कितने बजट में आप अपने केदारनाथ की यात्रा को कंप्लीट कर सकते हैं, वो भी कम से कम में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कौन कौन सी जगह है जहाँ पर आप कम से कम बजट में स्टे कर सकते हो और वहाँ पे कुछ ऐसी भी जगह जहाँ पर आप फ्री में स्टे कर सकते हो, आप फ्री में अपना ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, अगर आप लोग दिल्ली से या दिल्ली की कहीं और से भी अगर आप केदारनाथ के लिए आते हो तो आप लोग कैसे कैसे केदारनाथ तक वैसे पहुंच सकते हो। तो देखिए, अगर आप लोग फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली से आते हो तो दिल्ली से आपको अगर आप ट्रेन से आते हो, आने को तो आप किसी से भी आ सकते हो, अपने ट्रेन, बस, प्लेन या अपने प्राइवेट व्हीकल से भी आ सकते हो, लेकिन हम अभी सिर्फ ट्रेन और बस की बात करेंगे क्योंकि मैक्सिमम जो हमारी ऑडियंस है वो ट्रेन या बस से आने वाली है। तो सबसे पहले हम ट्रेन की बात करें तो देखो, अगर आप दिल्ली से आते हो तो जो दिल्ली है, दिल्ली से आपको ठीक है हरिद्वार और देहरादून के लिए आप लोगों को ट्रेन लेना पड़ेगा क्योंकि ट्रेन इससे आगे नहीं जाती है। तो आप लोग सोचेंगे भाई अगर ट्रेन वहाँ तक नहीं जाती तो हम लोग पहुँचेंगे कैसे, मैं बताता हूँ, क्योंकि वहाँ से आप लोगों को बस की सर्विसेज वहाँ से प्रोवाइड होंगी जो आप लोगों को केदारनाथ से 20 किलोमीटर पहले सोन ट्रैक में छोड़ेगी, वहां से आप अपने केदारनाथ की यात्रा स्टार्ट कर सकते हो। तो ऐसे करके आप लोग केदारनाथ के पास पहुंच जाओगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि केदारनाथ में 4 जगह हैं जहाँ पर आप अपना आराम से स्टे कर सकते हो, वो भी बिल्कुल चीपेस्ट रेट में और यार बिल्कुल फ्री। तो केदारनाथ में 4 जगह हैं, एक खुद केदारनाथ जी हैं, दूसरा सोनप्रयाग है, तीसरा गौरीकुंड है और चौथा पाहत है। पाहत में आप लोगों को हेलीकॉप्टर की सर्विस मिलती है, अगर आप लोग हेलीकॉप्टर का मज़ा लेना चाहते हो तो वहाँ से पाहत में आप अपना स्टे करके वहीं से डायरेक्ट हेलीकॉप्टर से जा सकते हो केदारनाथ के लिए। अगर आप होटल की बात करते हैं तो देखो, अगर आप सोनप्रयाग से अगर अपनी यात्रा शुरू करना चाहते हो तो देखो वहाँ पर भी आपको बहुत ही चीप रेट में होटल्स प्रोवाइड हो जाएंगे जो कि आपको अच्छी खासी सर्विसेज देंगे, जिनकी प्राइसिंग जो है under 1000 rupees से स्टार्ट होगी, क्योंकि मेरे हिसाब से ठीक ही है। नहीं तो अगर आप इन सीजन में आते तो यही होटल के जो रेट्स हैं वो आपको 2000 से 3000 रुपये में देखने को मिलेगा। मैं आप लोगों को एक चीज़ और रिकमेंड करना चाहूँगा, अगर आप लोग केदारनाथ आने का प्रोग्राम कर रहे हो तो प्लीज़ आप लोग आफ्टर सीजन आना, क्योंकि इन सीज़न में बहुत ही हाई प्राइस हो जाते हैं होटलों के, क्योंकि उस टाइम कार्ड भी बहुत ज़्यादा होती है, रूम्स भी बहुत मिलना मुश्किल होता है, तो प्राइसिंग ये लोग इंक्रीज़ कर देते हैं। मैं तो अगर आप लोग आफ्टर सीजन आओगे तो आप लोग के बहुत बढ़िया होगा। जो आफ्टर सीजन का टाइम है वो है अगस्त से लेके अक्टूबर के बीच में, आप लोग इस टाइम पे आओ, आप लोगों को बहुत बेस्ट प्राइस देखने को मिल जाएगा। और अगर अगर आप लोगों को होटल में नहीं रुकना है, अगर आप लोग चाहते हो कि यार मैं एक या दो बंदे हैं और हमें होटल की इतनी जरूरत नहीं है, तो देखो यार एक डोमेस्ट्री है जिसमें मतलब 4-5 बेड लगे होते हैं एक रूम के अंदर, आप वहाँ पर भी लेकर अपना स्टे कर सकते हो। वहाँ पर जो मात्र उसकी फ़ीस होगी पर डे की 350 के आसपास होगी, और नहीं तो आप वहाँ पे आपको क्लॉक रूम मिल जाएगा। अगर आप लोग सोचते हो कि यार हमें रूम की कोई जरूरत ही नहीं है, बस अपना एक सामान आप कहीं रख दें, तो वहाँ पे भी आप अपना रख सकते हो। वहाँ पे 50 रुपये क्लॉक रूम का होगा 1 डे का, तो आप वहाँ पे इजीली अपना सामान रखकर कहीं भी घूम सकते हो। नहीं तो अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं यार ये भी बहुत ज़्यादा प्राइसिंग लग रहा है जो मैंने डोमेस्टिक को बताया है, तो उससे बढ़िया मैं आपको बताऊँगा कि वहाँ पर एक हॉल रूम होता है जिसमें मतलब 50-60 बेड लगे होते हैं, सिंगल सिंगल बेड लगे रहते हैं, जिसका प्राइस है 100 रुपीज़
पर डे का आप अपना जाओ, लॉकर में सामान रखो, वहां पर आप अपना लेटो, आराम करो, जो भी करना है करो, और उसके बाद अपना कहीं भी घूमने को निकल जाओ। और अगर आप लोगों को लगता है नहीं यार अभी मेरे को बिल्कुल पैसे खर्च नहीं करने हैं, मेरे को अपना मतलब फ्री में स्टे भी करना है, फ्री में लंच डिनर ब्रेकफास्ट भी करना है, तो देखो फिर एक ही रास्ता है, आप अपनी यात्रा वहाँ से केदारनाथ को स्टार्ट कर दो। क्योंकि केदारनाथ के जो जब आप केदारनाथ की तरफ जाओगे तो बीच में काफ़ी ऐसी जगह जहाँ पर लोग लंगर लगाते हैं, जहाँ पे आपको वहाँ पर मतलब एक सेवा केंद्र है, मतलब जो लंगर प्रोवाइड करती है, सुबह ब्रेकफास्ट भी देती है, लंच भी देती है और डिनर भी कराती है। और अगर आप बात रही स्टे करने की तो वहाँ पे देखो काफ़ी सारे कैंप लगे रहते हैं जहाँ पे आप फ्री में स्टे कर सकते हो केदारनाथ की यात्रा के दौरान, तो वहाँ बिल्कुल ही आपको फ्री में सब कुछ हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बार फिर और रिकमेंड करूँगा, प्लीज़ आप लोग इन सीज़न में अगर जाने का प्रोग्राम कर रहे हो तो वो आप अपनी मर्जी से जा सकते हो। बाकी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप आफ्टर सीज़न जाना, क्योंकि बेस्ट सीज़न रहता है। और देखो यार आप लोग होटल्स को ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो, ऑफलाइन भी बुक कर सकते हो। मेरे हिसाब से आप लोगों को जैसे कि अगर आप आफ्टर सीज़न आते हो तो आप लोग ऑफलाइन भी कर सकते हो, अगर आप लोग अगर इन सीज़न के अंदर आते हो तो प्लीज़ आप लोग ऑनलाइन बुक करके आना। क्योंकि यहाँ पर फिर अगर आप ऑनलाइन बुक करके नहीं है, अगर आप लोग सोचे कि यार इन सीज़न में जाके हम लोग ऑफलाइन कर देते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है आप लोगों के लिए होटल को ढूंढने में या आप लोगों को रूम मिलने में। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग होटल के बिहाफ पे आ रहे हो तो प्लीज़ आप लोग ऑनलाइन बुक करके आना। बाकी नहीं तो यहाँ पे हॉल और डोमेस्टिक तो आपको मिल ही जाएगा, यहाँ पर उसमें भी थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। हम बात कर लेते हैं कि अगर आप लोग बस से आते हो तो आप लोगों को जो बस है दिल्ली के ISBT से आप लोगों को बस मिल जाएगी, जो कि सोनप्रयाग के लिए डायरेक्ट बस आपको मिलेगी, आप लोगों को डायरेक्ट बस सोनप्रयाग में ही छोड़ेगी। अगर मैं बात करूँ प्राइवेट व्हीकल वालों की तो देखो प्राइवेट व्हीकल से अगर आप लोग आते हो तो जो आपका जो आपकी जो मैक्सिमम कार है वो गौरीकुंड तक जा सकती है, आप उसके आगे नहीं लेके जा सकते अपनी कार। तो अगर आप अपनी प्राइवेट व्हीकल लेके आते हो तो इस बात का जरूर से ध्यान रखना। तो होप कि यार आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, भूलना मत चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना जो लोग केदारनाथ जाने का प्रोग्राम बना रहे हों। दोस्तों आप लोगों से एक बात और कहनी थी, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं यार केदारनाथ के बारे में और डिटेल में ऊपर वीडियो बनाऊँ कि आप किस तरीके से पहुँच सकते हो वहाँ पर, कैसे कैसे मतलब होटल्स देखने को मिलेंगे आप लोगों को, आपकी यात्रा मतलब आप कैसे कैसे कर सकते हो, कैसे कैसे रास्ते हैं, कैसे कैसे ट्रैवलिंग कर हो सकती है, मतलब ऑल ओवर चीज़ें, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड गुड बाय।